आज हम बनाएंगे कद्दू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। मैंने इसे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक प्याज को ऐसे रफली काट लिया, 3 से 4 लाल मिर्च ले लिए हैं, 5 से 6 काले मिर्च के दाने, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सरसों का पाउडर ले लिया। सभी काम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ गैस पे मैंने एक पैन रख दिया। अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसे आप सरसों के तेल में ही बनाएं, ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम इसमें 1 पिंच के लगभग हींग डाल देंगे। हींग से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। 1/2 छोटी चम्मच मेथी के दाने डाल देंगे। मेथी के दाने को हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे। अब हम इसमें जो मसाले का पेस्ट बनाए थे उसे डाल देंगे। अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मसालों को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, तो इसलिए आप इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लें ताकि मसाले से तेल अलग होने लगे। और मैंने इसे पूरे 6 मिनट पकाया और ये देख सकते हैं तेल कितने अलग होने लगे हैं, बिल्कुल तेल ऊपर आ गया है। बिल्कुल हमें ऐसे ही मसाले पकाने हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अच्छी तरीके से मिला देंगे। और यहाँ मैंने 1/2 kg कद्दू लिया था और उसे मैंने ऐसे टुकड़ों में काट के ले लिया। ये थोड़ा सा पका हुआ ही कद्दू का मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ सबको ऐसी सब्ज़ी पसंद है, और अगर आप कच्चे कद्दू का बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। इसे हम पैन में डाल देंगे, अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। इस सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अब हम इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और पूरे मैंने इसे 3 मिनट पकाया है और ढक्कन हटाएंगे हम। और ये देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है, अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे। कद्दू को पकने में टाइम लगता है तो इसलिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसे पकाने में थोड़ा सा समय लगता है तो पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही करें। अब हम इसमें 1 टुकड़ा गुड़ का डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। और पूरे 20 मिनट मैंने इसे पका लिया और ये देख सकते हैं कद्दू की कितनी मज़ेदार सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसमें सूप बिल्कुल भी नहीं है और कद्दू की सब्जी में ग्रेवी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है, तो आप इसे ऐसे ही बनाएं। हमारी बहुत ही डिलीशियस सी कद्दू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।